लाइफ में ऐसा देखा तुमने एयरपोर्ट? क्या सोचा भी था? जाने नहीं देंगे, खेल के जाएंगे एयरपोर्ट पे। कैसीनोज है इतने सारे, मतलब मशीन है और वहाँ पे खेल भी सकते हो। अगर यहाँ ज्यादा हार के जा रहे हो तो एक लास्ट बार, या फिर ज्यादा जीत के भी जा रहे हो तो एक लास्ट बार ट्राई कर लो। कल लेट नाइट के बाद आज दिन की शुरुआत भी लेट हो रही है, सीधा लंच टाइम से लंच पे जा रहे हैं। कोई इंडियन रेस्टोरेंट है पास में, उसमें लंच पे जा रहे हैं। और लेट सोए थे, 4 बज गए थे सोते सोते, 11 बजे उठे हैं। वैसे तो ठीक है, रात को ही होता है करने का जो भी होता है। और ये भी सोचा है कि दिन में भी सेम कैसीनो के अंदर तो सेम माहौल ही रहता है खेलने का, तो लंच करके ऐसे टाइम पास कर सकते हैं। ये भी अपनी राम प्यारी, ओहो बाहर निकलती क्या खतरनाक वाली गर्मी। टेम्परेचर तो 42 डिग्री है लेकिन पॉल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ज़्यादा ही फील होता है। ये है दिल्ली इंडियन कुजीन, इंडियन रेस्टोरेंट, बुफे है। और क्या ओनली बुफे है क्या? ऑल यू कैन ईट एट $17 17 ही है वो, मैंने पढ़ा ऑनलाइन। समोसा पकौड़ा भजिया, हाँ हाँ इंडियन फूड। अच्छा चलो भाई, इसमें काफ़ी ऑप्शन है इंडियन फूड। ये बुफे है हमारा, $17 पर पर्सन का बुफे है। काफ़ी आइटम्स हैं वेजिटेरियन के लिए। अच्छा वहाँ की कुछ दिल्ली के गाने लग रहे हैं देसी। चलो बहुत खा लिया, 2 प्लेट तो ये 3 प्लेट लेके गई हो। इतना मजा क्यों आ रहा है तुम्हें? तो हार रहा हूँ तो बेटा इंडिया नहीं पहुँच पाएंगे। वेगस नहीं आएंगे कभी लाइफ में दोबारा। ब्लैक नहीं आया तो मैं 0 हो जाऊंगा। जीत गया था मैं $50, अब 0 हो गया। तो कैसीनो खेल के दिन का टाइम पास किया, थोड़ा जीते थोड़ा हारे। अब जा रहे हैं 2 जरूरी काम के लिए। एक तो कि एक बैग लेना पड़ेगा, ट्रॉली बैग, कल की जो फ्लाइट है उसके लिए ज़रूरी है कि सामान पूरा एक साथ रखना पड़ेगा, कल फ्लाइट है। और ये कार ड्रॉप करनी है, इसमें 5 दिन हो गए घूमते घूमते, 1000 माइल ड्राइव करी है कुछ। तो ये 2 काम जब ये फिर से वापस आएंगे यहीं पे कैसीनो, रात को स्ट्रक पे वापस जाना है। लेकिन पिरामिड वाली बिल्डिंग में देख लो यहाँ से, मिल गया है बैग तो। और टॉमी पे थोड़ा बहुत ही डिस्काउंट था, पैसा नहीं, आउटलेट स्टोर है, कुछ 20% ऑफ नहीं ना, हाँ 20% ही ऑफ मिला। और अब फटाफट कार ड्रॉप करनी है, 6 बजे का टाइम है, कुछ 5:40 हो रहा है, फ्यूल भरा के कार ड्रॉप करनी है। कार देंगे तो पता पड़ेगा, कुछ टोल वोल फाइन वाइन तो नहीं लगा। पिछली कार दी थी तो उस पर कुछ भी नहीं लगा था, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड उन्होंने रिलीज़ नहीं किया अभी तक पूरा 100%। थोड़ा सा डर रहता है कि ये बाद में नहीं काट ले कुछ, क्योंकि आप फिर कॉल पर कितना उनके साथ बहस करोगे, आर्ग्यू करोगे, तो वही देखते हैं। कि बहुत अच्छी डील मिली थी, $232 में मिली थी ये कार 5 डेज के लिए, उसमें ड्रॉप फीस भी इंक्लूड हो गई थी एलए से लेके वेगस तक। लास्ट टाइम फ्यूल भरा रहे हैं कार हायर करके, कुछ 24+5 ऑलमोस्ट 30 डेज कार साथ में थी हमारे पास, 2 कार मिला के। तो बहुत अच्छा लगा कि कार थी, बिना कार के US में थोड़ा भी नहीं घूम सकते, सब दूर दूर है, फिर कैब लोगे महंगा पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बेकार है यहाँ का। तो ठीक है जो है, ये कार का एवरेज बहुत अच्छा था, मज़ा आया इसमें घूमने में। 43 का एवरेज था, जीप कंपास में 24 का एवरेज था, प्रॉब्लम करी उसमें, बहुत फ्यूल खाया उसने। तो अब चलते हैं, कार वापस करनी है वाली, कहीं भी जाओ दूसरी कंट्री में, और अगर ज़्यादा चीज़ें देखनी तो कार हायर करना बेटर रहता है और ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती है। आई वुड सजेस्ट, हाईली सजेस्ट यू US आ रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, इवन यूरोप,
रेंट अ कार एक्सप्लोर द कंट्री। और वैसे एक लास्ट टाइम मैं बता रहा था कि इसमें अपन वो भी चेक कर सकते हैं गूगल मैप में कि कौन से पंप पे क्या रेट चल रही है, तो मैंने चेक किया था, सबसे सस्ते ये पंप पे था 5.14, क्योंकि इसके सामने वाले पंप में 5.5 या इतना कुछ था। तो गूगल मैप में हमेशा पहले ही चेक कर लो क्या रेट चल रही है वहाँ से पंप में। गाड़ी देते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन अब न्यूयॉर्क जाने का और कोई रास्ता नहीं है। मेरा तो मन था कि बाय रोड भी ज़्यादा लंबा है, लेकिन 3,000-4,000 हाँ ज़्यादा लंबा पता है मुझे तो अच्छा रहा कार का एक्सपीरियंस, और तो स्मूथ रहता है इनका चेकआउट भी, बस चाबी दो और दे चेक वन फ्यूल व्यूल चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से टेस्ला भी देते हैं क्या, ये सब लाइन से टेस्ला खड़ी है आजकल, टेस्ला भी देते होंगे कभी, ये सारी भी टेस्ला ही है। कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो टेस्ला ट्राई करेंगे। थोड़ा सा वो रहता है कि 300-400 माइल्स चलने का टेस्ला को चार्ज करना पड़ता है, और थोड़ी आदत टेस्ला की अभी तक है नहीं, तो अदरवाइज अच्छा रहा, स्मूथ रहा सब कुछ। थोड़ी सी कार गाड़ी भी थी, पता नहीं देखा है नहीं देखा होगा ना, नहीं देखा होगा ना, बच गया ना, देखा था उसने आते ही सबसे पहले, इसमें मार्क किया क्या कुछ नहीं किया, बस ऑल गुड। वेगस आ रहे हो अगर तो इनके एयरपोर्ट के पास में सारा है ये कार रेंटल का, एक भी कंपनी नहीं होगी जो यहाँ पे नहीं है ऐसा लग रहा है, यहीं से कार लो 3-4 दिन के लिए, फिर यहीं ड्रॉप करके और फ्लाइट पकड़ लो, बेस्ट आइडिया है। 4-5 के सबसे ज़्यादा है तो इसमें ही चलना है कल, यहाँ ये वाली फ्लाइट है हमारी स्पिरिट की टू न्यूयॉर्क। के लिया है बैग कैसीनो में, हाँ यहाँ बैग लेके आ रहे हैं नया, तो सबको लग रहा है पैसे भर के कैसीनो में घुस रहे हैं, हाँ देखना भाई उड़ाना नहीं है सारे पैसे। ओके भीड़ लग रही है तो चेक इन की, तो ये हमारा होटल है और होटल की एंट्री में कैसीनो है, तो ये रिसेप्शन है इधर, और यहाँ से कुछ 200 मीटर तक कैसीनो ही है और फिर होटल की एंट्री है। बाय, ऑल द बेस्ट, आई एम गोइंग नाउ, टेक योर कार्ड विद यू, दोनों ले रहोगे ठीक है। सो पूनम खेल रही है थोड़ा कैसीनो में, और मैं थोड़ा सा स्ट्रिप का एक राउंड करके आ रहा हूँ, एक दो चीज़ें खरीदनी है, सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि वेइंग मशीन खरीदनी है, क्योंकि कल जो फ्लाइट है उसमें बहुत स्ट्रिक्ट हैं वो लोग, स्पिरिट एयरलाइंस है, तो कि 18 केजी होना चाहिए चेक इन और वो सब है, तो लगेज थोड़ा ज़्यादा है हमारा, तो थोड़ा सा टेंशन है। इसकी लाइट्स बहुत मस्त लगती है, पूरा ग्रीन, इसके अंदर ही मोनोरेल भी चलती है, पार्किंग लॉट पूरा इनका ही है, पीछे वो मोनोरेल भी आ गई, काफ़ी ग्रैंड है ये अंदर से। कल इसके अंदर गए थे टूर्नामेंट चलते हैं, या तो पोकर के और ब्लैक जैक के बड़े बड़े टूर्नामेंट, बेलाजियो में अंदर नहीं गए थे कैसीनो में, लेकिन उसका भी काफ़ी मस्त होता होगा कैसीनो, ओयो है, ओयो का अच्छा है चलता फिरता, तो यहाँ रह रहे हो तो अच्छा है, यू कैन एनी टाइम कम डाउन एंड प्ले, इसका ऑप्शन भी अच्छा है अगर न्यूयॉर्क वाले होटल में रुकना है तो, इसमें भी कैसीनो है काफ़ी बड़ा बना हुआ है, रेट इसकी भी अच्छी है $100। तो मुझे ये लगता है यहाँ होटल रेट्स काफ़ी कम है वेगस में, और इसका कारण ये कि वो सब कैसीनो से पैसे ज़्यादा कमाते हैं, सब में कैसीनो है तो दे मेन सोर्स ऑफ इनकम इज कैसीनो की इनकम, और दे वांट मोर पीपल टू स्टे देयर इन देयर होटल सो दैट मोर पीपल विल कम एंड प्ले। अधिकतर कैसीनो के बाहर ऐसे पुलिस रेडी रहती है, कुछ भी हो पंगा उंगा और अंदर घुस जाए डायरेक्ट, और यहाँ पे एक्चुअली वेगस में होमलेस वालों की प्रॉब्लम बहुत है, यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो थोड़ा सा इशू रहता है,
वैसे कोविड के बाद काफ़ी यहाँ पे एलए में, सैन फ्रांसिस्को में, और यह दे आर प्लेसेस विच शुड बी अवॉइडेड. तो वेगस में जा रहे हो, घूम रहे हो, ऐश कर रहे हो, अच्छा है, बट थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है. और वैसे मुझे मिल गया वो वेइंग स्केल एक जगह, 3-4 जगह ट्राई करने के बाद, और उसमें फटाफट पैकेज एक बार वे कर लेंगे और फिर विल कम आउट एंड एंजॉय द वेगस ट्रिप. क्या बैलेंस है? अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे $10 चेंज होगा तो मुझे वो पैसा वाला ट्राई करना है. कैसा वाला? नंबर्स पे सिलेक्ट करके. ये दिखने में एटीएम मशीन है लेकिन पैसे लेती है ये और उनको छुट्टा करती है, इसका काम है. ये आ गए 5K चेंज आ गए 1-1 के, इससे खेलेंगे $1,000 जीतेंगे. जीती हुई बीवी जीती. अरे $22 हो गए $5 के. एन कैश करोगे? एन कैश करो कहाँ, कैश आउट. ऐसे नहीं करते यार, 50 पैसे का खेल लो. तो अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है कैसीनो से और वेगस ट्रिप में जा रहे हैं वापस, और यहाँ पे कुछ नया कैसीनो ट्राई करते हैं. न्यूयॉर्क होटल का कैसीनो है, फिर MGM का फिर से ट्राई करते हैं, या ऐसा कुछ नया ट्राई करते हैं. इस टाइम सब कुछ खुला भी हुआ है तो कुछ खाने पीने का भी ट्राई करते हैं क्या है इधर. और एक बात नोटिस करी यहाँ पे कि कितने सारे सिक्योरिटी कैमराज रहते हैं कैसीनो में, कुछ 3,000-5,000 कैमराज होंगे. फिर सिक्योरिटी पर्सन रहते हैं कुछ 50, उनके सुपरवाइजर्स, और बाहर पुलिस की गाड़ी रहती है. तो जैसे वो ओशियन 11, 12, 13 में बताया था कि ऐसे लूट के निकल गए, तो वैसा करना यहाँ मुश्किल रहेगा किसी के लिए भी. क्या है ये पूनम? व्हाट इज इट? वेगस. तो ये वाला होटल जो है ये पूरा न्यूयॉर्क की थीम में बना हुआ है, सब कुछ वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो सब है. हर जगह लाइट ही लाइट और ऐसा ब्राइट, रात के 1 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि रात को ही जागती है सिटी और कुछ नहीं है यहाँ पर. दिन में तो बाहर निकलने का प्लेस ही नहीं है कोई, लेकिन कुछ अनसेफ तो है जगह जगह पर, पुलिस यहाँ पे चलता रहता है पुलिस का काम. तो फिर से बेलाजियो हो गए हैं, लेकिन सोचा है आज तो शो देख के जाएंगे, और डक भी है यहाँ पर. तो का फाउंटेन शो होता है जो मिडनाइट के बाद कम फ्रीक्वेंसी पे होता है. मिडनाइट हो चुकी है, देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं. मीनवाइल ऐसा लग रहा है कि अंदर एक बार होके आते हैं, कैसीनो देख के आते हैं, और वो वाला फील आ रहा है ओशियन 11 में सब जीतने के बाद जब जाते हैं. अपन कुछ जीते क्या? क्या बनाए? डायनासोर्स, जंगल थीम, मोगली. बेलाजियो में अंदर पूरा जंगल थीम बन रही है, ऐसा इमेजिन किया था क्या बेलाजियो में? वो वाला लेपर्ड देखो. नो, दीज आर ऑल नेचुरल प्लांट्स. नेचुरल प्लांट्स. ये भी कितना नेचुरल लग रहा है. ओह माय गॉड. तो पहला जो मैं थोड़ा तोड़ना पड़ेगा ना अपनी वो निशानी भी. आई एम डूइंग दिस. नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो कॉइन निकालना मत भूलना फाउंटेन में से. ओके. Thank you.
चलते चलते रात के 2 बजे तो होटल ही जा रहे हैं, सामान पैक करके रेडी रखते हैं, 4 बजे निकलना है एयरपोर्ट के लिए और फ्लाइट है 6 बजे की टू न्यूयॉर्क। दिस इज प्लान फॉर नाउ लास्ट एफिल टावर। पूरी रात ऐसे लाइट चालू ही रहती है ऐसे जगमगाती हुई। तो खैर पैकिंग हुई है थोड़ी बहुत, तो इसमें 2 किलो एक्स्ट्रा है और ये नया बैग लिया है एक के है, तो ये 2 चेक इन में जाएगा, तो होपफुली ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, सब कुछ एयरपोर्ट पे पता पड़ेगा। तो अभी ये डिसाइड किया कि चलो है 1.5 घंटा तो नीचे चल के खेलते हैं, क्योंकि सोने का मतलब नहीं अभी, अभी सो गए तो उठ नहीं पाएंगे, तो कैसीनो टाइम अगेन अगले 1 घंटे। तो शायद ब्लैक कपड़ों में लग ज़्यादा अच्छा रहता है, तो लेस टायर्ड है और एक लास्ट टाइम खेलते हैं वेगास के कैसीनो में। चलो चलो पैसे पैसा। थैंक यू। कलर कलर वाला रहता तो दिक्कत नहीं, पता नहीं बाबा उनके पास तो ऐसे ही रहते कि कैश में चलता सब बिजनेस। $50 जीत चुके हैं तो इसलिए सही टाइम है कैश इन करने का, और फ्लाइट का भी टाइम हो गया है, सामान वामान थोड़ा सा बाकी है वो पैक करके निकलने का टाइम है। सामान सामान तो बहुत हो गया है, देखेंगे फिर एयरपोर्ट पे जो भी होता है, अभी तो अभी निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए, लेट हो रहा है। चलो 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 जाने नहीं देंगे, खेल के जाएगा एयरपोर्ट पे, कैसीनोज है इतने सारे मतलब मशीन है और वहाँ पे खेल भी सकते हो। अगर यहाँ ज्यादा हार के जा रहे हो तो एक लास्ट बार, या फिर ज्यादा जीत के भी जा रहे हो तो एक लास्ट बार ट्राई कर लो। तो ये सीन है यार, इतने सारे मशीन है एयरपोर्ट पे, पहला एयरपोर्ट देखा ऐसा, ऐसा सोचा भी नहीं था कि एयरपोर्ट पे कैसीनो की मशीन होंगी। तो खैर सिक्योरिटी तो हो गया है और कितना लगा, $75 एक्स्ट्रा लगा लगेज का। तो स्पिरिट एयरलाइंस बुक करी थी, सस्ती सारे ऑप्शन में सबसे सस्ती थी वो, लेकिन लगेज मिला के उसमें मिला के $300 पर हेड पड़ा, 20-21 हज़ार बोल सकते हो उसके ऊपर पड़ा पर हेड, क्योंकि फ़्लाइट भी लंबी है, 5 घंटे की फ़्लाइट है वेगस टू न्यूयॉर्क, और LA से और महंगी थी, सैन फ्रांसिस्को से और महंगी थी, इसलिए ये डिसाइड किया था कि वेगस से पकड़ेंगे। तो टोटल कुछ $600 का पड़ा ये न्यूयॉर्क जाना, लेकिन क्या करें न्यूयॉर्क से रिटर्न फ्लाइट भी है तो गोइंग टू न्यूयॉर्क। यू कैन हेल्प इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ मैकरन एयरपोर्ट सिक्योरिटी। तो B24 के पास B23 है हमारा गेट है, उसके जस्ट सामने और भी मशीन लग रही है कैसीनो की, आधी हो गई वेगास में। हेलीकॉप्टर राइड्स होती है जो कि ले सकते हैं, इतने की शायद $200-250 की रहती है कि रात को हेलीकॉप्टर राइड लो, पूरे वेगास का चक्कर लगाओ 2-3 स्ट्रिप का और सबका।